और चुनाव आयोग ने जहां बिगड़े बोलों के चलते बीएसपी चीफ मायावती, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और एसपी नेता आजम खान और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के चुनाव प्रचार पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा रखा है, तो वहीं इससे बाकी नेताओं पर असर होता नहीं दिख रहा। जहां केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के लिए बयानों से तो ऐसा ही लगता है। आपको बता दें, उन्होंने पत्रकारों से सवाल जवाब के दौरान ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा चोर की पत्नी है और हिंदुस्तान उन्हें उसी नजर से देखेगा। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान ही जब संवाददाताओं ने प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने और साथ ही सक्रिय राजनीति में आने को लेकर उमा भारती से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि उनके पति पर चोरी का आरोप है और चोर की पत्नी को किस नजर से देखा जाता है, हिंदुस्तान उन्हें उसी नजर से देखेगा। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से चुनाव प्रचार में भाषा का स्तर गिर चुका है और हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाता नजर आ रहा है। और इसी के तहत उमा भारती ने मीडिया से सवाल जवाब के दौरान कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को चोर की पत्नी कह डाला। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग आखिर इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा और किस तरह से एक्शन लेगा।